स्टूडेंट्स, प्रश्नारी 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक होज के को 3/8 घंटों में भर सकते हैं। दो पानी के नल हैं, वो एक साथ एक होज यानी एक तरह से बड़ी सी टंकी लगा लो, उसको पूरा भरने में कितना टाइम लेते हैं? 3/8 घंटे। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 9 8 72 72 3 75 75/8 यही बनेगा। ठीक है, दो पानी के नल जो हैं एक होज को 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल है, एक तो नल है जिसके अंदर से बड़ा व्यास है तो ज़्यादा पानी निकलता है भरने में। कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है, कम व्यास वाले से वो 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात करना है। तो अगर हम कम व्यास वाले नल जो है होज को मान लें कि x घंटे में भरता है, ठीक है, अगर जो कम व्यास वाला नल है यानी छोटा नल लगा लो एक तरह से, वो जो है होज को भर सकता है x घंटे में, और अधिक व्यास वाला नल फिर होज को कितने में भरेगा? उससे 10 घंटे कम में भरता है ना। अगर ये 11 घंटे में भर रहा है तो ये 1 घंटे में भर लेगा, इतनी स्पीड है इसकी। तो ये x माइनस टेन ले लेंगे इसको, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देख लें कि मान लो, देखो जो कम व्यास वाले वाली बात कर रहे हैं, कम व्यास वाला जो नल है पूरे होज को जो भरता है वो कितने घंटे लगा रहा है? x घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? x घंटों में तो वो टोटल जो है होज को भर देगा, तो 1 घंटे में वो 1/x घंटे 1/x नल को भरेगा। इसको इस हिसाब से लगाओ कि अगर 5 घंटे के अंदर भरता, 5 घंटे में जो है जो ये होज जो है 5 घंटे में भरता, पूरा जो होज है 5 घंटे में भरता ये छोटा नल या कम व्यास वाला नल, अगर जो होज को 5 घंटे में भरता तो 1 घंटे में वो 1/5 ही तो भरता ना, 1/5 पार्ट ही भरता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस वजह से कम व्यास वाले नल का 75/8 घंटे का काम क्या हो जाएगा? 75/8x, टोटल तो x है, बटे में x हो जाएगा ना, इसीलिए हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल वो x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे का काम उसका 1/x है। तो 75/8 का क्या हो जाएगा? 75/8x, ठीक है। इसी वजह से ये बन गया है, कम व्यास वाले नल का 75/8 घंटे का काम 75/8x, और अधिक व्यास वाले का क्या हो जाएगा 75/8 घंटे का काम? 75/8x-10, ठीक है। और ये दोनों नल, ये जो दोनों नल हैं एक साथ जो भरते हैं, कितने 75/8 घंटों में पूरे होज को भर लेते हैं, पूरा एक होज है ना, तो एक होज को भर लेते हैं वो 75/8x है ये, तो 75/8 घंटे का काम, तो 75/8x हो गया। इसका 75/8x-10 है, तो ये पूरे एक होज को भर देते हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद? तो बस इसको सोल्व करना रह गया। अगर आप ये स्टेप समझ जाते हैं तो इसके बाद तो इसको सोल्व करना रह गया। तो क्या होगा? 75/8 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1/x बच गया, यहाँ 1/x-10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका ले लेंगे लघुत्तम, x x-10। x-10 को 1 से गुना किया x-10, x को 1 से गुना किया x, x और x क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? 2x। बाकी सेम ही रखा है हमने, 75/8, 2x-10, x-10 बराबर में 1। इसको सोल्व करते जाओ फिर, 75 × 150x, 75 को 10 से गुना किया 750, ये 8 है, इन दोनों की गुना की x²-10x आ गया बराबर में 1। अगले स्टेप में 8 से भी गुना कर दी इसकी, 8x²-80x हो गया। अगले स्टेप में ये इधर जाके 1 के पास ले गए तो यहाँ ऐसे आ गया। अब x² वाली क्वांटिटी इधर है तो इसको उधर ले जाते हैं, 8x²-80x है, ये उधर चला जाएगा -150x, और ये -750 का +750 बन जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे,
देखो एक्स को एक्स वालों में जोड़ते हैं ना, दोनों घटा के हैं तो जोड़ जाएंगे, 80 और 150 230, और दोनों जो हैं घटा के हैं इसलिए घटा का निशान लग गया, प्लस में 750, ठीक है ना। ये भी लिखा गया, इन दोनों को जोड़ के लिख लिया, ये लिख लिया, सब हो गया। अब इसको क्या करेंगे, या तो इसके अंदर से दो ही कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लो, ठीक है, लेकिन उससे भी इतना शॉर्ट तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, तो हम ये ना लेके इसको कंपेयर कर दिया, एक 8 के बराबर, बी कितना ले लो माइनस 230, और सी ले लो 750, ठीक है ना। कंपेयर किससे करते हैं हम, इसी से करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर कर लिया। और फिर हमने क्या लगाया, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से ही होगा क्योंकि इसके हमें गुणनखंड नहीं पता चल रहे हैं, तो ये द्विघाती सूत्र क्या होता है, यही होता है फॉर्मूला। इसमें b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, b का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 a की वैल्यू, और c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 230, प्लस माइनस 230 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है, 230 का स्क्वायर करेंगे, पहले ये जीरो है, जीरो का स्क्वायर होता है तो दो जीरो बन जाती हैं, फिर 23 को 23 से गुना कर लो, 23 को 23 से गुना करके क्या आ गया, 529, तो ये पूरा आ गया 529 माइनस 4 8 32, ठीक है। और ये जीरो पहले अगर लगा लें हम, जीरो पहले लगा लिया, 4 8 32, 32 को 75 से गुना कर लो, ठीक है, जो गुना करके आ गया वो यहाँ लिख दिया 2400, तो ये पूरा 24000 बन गया, बटे में 16, प्लस माइनस, ये प्लस का 230 है, प्लस माइनस इसको इसमें से घटा लिया तो कितना आ गया, 289 20 बटे 16। इसके बाद क्या करना होता है, इसके गुणनखंड बनाने होते हैं, गुणनखंड हमने जब बनाए तो इसके गुणनखंड बने हैं 17 × 17, वैसे भी आपको पता है 289 क्या होता है, 17 × 17 होता है, ठीक है, और दो जीरो हैं यानी 10 × 10 100 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आप सिंपल भी सोच सकते हैं कि 289 का तो 17 × 17, और जो ये बाकी बचा 289 गुना में 100 है ना, तो 100 का बन जाएगा 10 × 10, जिसमें से 17 और 10 बाहर आ जाएंगे, जो अगले स्टेप में बन जाएंगे 170। एक बार तो 230 में हम क्या करेंगे, 170 घटाएंगे, एक बार 230 में 170 जोड़ेंगे, 230 में से 170 घटाया तो 400 आ गया, 400 बटे 16, और 230 में से 170 घटाया तो 60 बटे 16 आ गया, 16 को 400 से भाग करो तो आ जाता है 25, ऐसे ही 60 बटे में 16 है तो 4 के पहाड़े पे 4 चौके 16, 4 पे ये 15, 15 बटे 4 आ गया, और ये आ गया 25, तो 25 ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे अगले उसके अंदर, कि कम व्यास वाला क्या करेगा, कम व्यास वाला होज का आंसर क्या आ गया, होज भर सकता है 25 घंटे में, ठीक है, 25 घंटे में। और ये क्या है, अधिक व्यास वाला कितने में भरेगा, फिर अधिक व्यास वाला भरेगा 25 माइनस 10 हो जाएगा ना, 25 माइनस 10, क्योंकि ये x माइनस 10 था, 25 माइनस 10 क्या होता है 15, तो आ जाएगा 15 घंटे। अब हमने देखो ये 15 बटे 4 क्यों नहीं लिया, वैल्यू तो एक, ये 15 बटे 4 भी आई है, तो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 15 बटे 4 लेते, x को अगर 15 बटे 4 लेते तो 15 बटे 4 क्या होता है, 15 को अगर 4 से भाग करें, 4 थी 12, 15 में से 12 गया 3, पॉइंट पे चला जाता, मतलब 3 पॉइंट कुछ भी आता है, 4 7 28 और 4 5 20, 3.75 आ गया, तो कम व्यास वाले का आ जाता कितना, 3.75, तो अधिक वाले का क्या आता, अधिक तो उससे 10 घंटे कम है ना, तो इससे 10 घंटे कम, यानी वो माइनस में तो टंकी भर नहीं सकता, कि चलाई ही नहीं टंकी, वो नल को चलाए ही ना वो टंकी, या होज भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम ये वाला नहीं लेते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अधिक व्यास वाला जो है ऋणात्मक चला जाएगा, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, कम व्यास वाला 25 घंटे और अधिक व्यास वाला 15 घंटे, ये है इसका आंसर। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप पूरा सिलेबस मेरे साथ कर सकें।